हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रश्मित सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। खराब से खराब रिश्ता भी ठीक हो सकता है, केवल एक टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी है। ये टेक्निक 100% काम करती है। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निक 100% काम करती है। एक दोस्त था मेरा, जिसके साथ मैं हमेशा घूमता था, उठता था, बैठता था। हम लोग घूमने जाते थे, पिक्चर देखते थे और बहुत मस्ती करते थे। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम के कारण, पर्सनल प्रॉब्लम के कारण हमारा रिश्ता ख़राब हो गया था। हमारी दोस्ती टूट गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरे दोस्त को भी बहुत ख़राब लग रहा था कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने ये टेक्निक प्रैक्टिस किया और इस टेक्निक की मदद से आज हमारी अच्छे से बात होती है। हम लोग फिर से वैसे ही बात करते हैं, घूमते हैं, मूवी देखने जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इसीलिए मैं आपको यह टेक्निक बता रहा हूँ कि आप भी अगर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके मॉम डैड के साथ आपकी बात नहीं होती है, मॉम डैड की आपस में अच्छे से बात नहीं होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फैमिली प्रॉब्लम है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर, फैमिली के झगड़े को कैसे ठीक करें, तो उसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि यह टेक्निक 100% काम करती है। आपको इस टेक्निक को सही तरीके से प्रैक्टिस करना है और जो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेक्निक आपके लिए 100% काम करेगी। तो चलिए जल्दी से उस टेक्निक के बारे में जानते हैं कि यह टेक्निक किस तरीके से काम करती है। इस टेक्निक में आपको विजुअलाइजेशन करना है। जो भी रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, उसके पहले आपके जो भी अच्छे बातचीत होती थी, जैसे आपके टर्म्स थे, अच्छे टर्म्स थे, आपको उसके बारे में सोचना है। वो सारी यादें आपको वापस अपने दिमाग में लानी है। और अगर आपकी कभी अच्छी बातचीत नहीं भी थी, तो भी आपको सोचना है कि आपकी अच्छी बातचीत हो रही है। आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको आंखें बंद करनी है, विजुअलाइज करना है और वो सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को फील करना है कि आपकी अच्छे से बातचीत हो रही है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरह से बिल्कुल ना करें कि आप सोच तो रहे हैं, मन में आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके मन ही मन आपको गुस्सा आ रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। बिल्कुल अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स निकाल दें। जो भी उन्होंने कहा था उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। वो सारे जो रॉन्ग वर्ड्स आपने बोले या उन्होंने बोले, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। केवल 5 मिनट इस टेक्निक को अच्छे से, अच्छे दिमाग से, खाली दिमाग से प्रैक्टिस करें। केवल पॉजिटिव थॉट्स के साथ प्रैक्टिस करें कि आपकी बात अच्छे से हो रही है। आंखें बंद करें, उस सारे मोमेंट्स को अच्छे से याद करें जो भी आपने आज तक अच्छे से बिताए हैं, जब आप अच्छे से घूमते थे, आप साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, कहीं डिनर करते थे या फिर जो भी आपके अच्छे से बातचीत होती, उन सारे मोमेंट्स को अच्छे से याद करें। और केवल ये 4 एफर्मेशन आप अच्छे से बोलें। वी लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वी केयर फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हम बहुत ही सुंदर रिश्ते में हैं। My love and blessings are with you, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इस तरीके से आप और भी affirmation बोल सकते हैं, लेकिन इस affirmation को बोलते वक्त आपको बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स के साथ इस affirmation को बोलना है और महसूस करना है कि आपका रिश्ता सुधर चुका है। जो भी आपकी बातचीत थी वो पहले की तरह हो चुकी है। आप बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको उनके प्रति लव वाइब्रेशन भेजना है, यानी आपको उनके लिए प्यार महसूस करना है। क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं सुनता है, यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को देखता है कि आप किसके लिए क्या फील करते हैं। और जब आप उनके लिए अच्छा फील करेंगे, जब आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तब उस व्यक्ति तक आपकी बात पहुँचेगी, आपका लव वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेगा और आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा या पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इस टेक्निक को आपको 21 डेज तक प्रैक्टिस करना है, या फिर आप चाहें तो जब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपको नहीं लगता कि अब ये ठीक हो चुका है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप केवल 21 डेज तक प्रैक्टिस करें और आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जब आपको रिजल्ट मिले तब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका रिश्ता कितना ठीक हुआ और किस तरीके से हुआ और आपने क्या अफर्मेशन बोला था। अगर आप इसी तरह की प्यार भरी एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ईबुक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।